हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बनाएंगे ब्रेड की बर्फी। बहुत ही आसान से बन जाता है, इसीलिए मैं चार पांच ब्रेड ली हूँ। उसको साइड साइड किनारा काट ली हूँ, जो ब्राउन पार्ट रहता है उसको काट ली हूँ। फिर मैं पनीर ली हूँ, उसको कद्दूकस की थी। फिर वो ब्रेड को हम लोग ब्रेड क्रम बना लेंगे। देखिए, मैं ग्राइंडिंग कर ली हूँ, फिर उसको पनीर में डाल दूंगी। मैं घर में पनीर बनाई थी, इसीलिए थोड़ा गीला गीला है। आप चाहते हो बाज़ार से भी ला सकते हो, इसीलिए मुझे दूध का ज़रूरत नहीं है। और फिर मैं मिल्क पाउडर डाली, फिर पाउडर शुगर डाली 1 कप। आपको जितना मीठा खाना है उसी के अकॉर्डिंग में डालना है। फिर मैं कोकोनट पाउडर डाली हूँ 1 कप। फिर मैं इलायची पाउडर डाली हूँ। अब फिर ऐसे धीरे धीरे करके उसको हम लोग मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा मिल्क भी चाहिए तो थोड़ा ही डालिए देख के। फिर एक मोल्ड ले लेंगे, उसमें हम लोग ऐसे सेट कर लेंगे। और अच्छे से सेट कर लेंगे, बहुत ही आसान से हो जाता है। घर में जब अचानक मेहमान आ जाते हैं तो ऐसे करके उन लोग को मिठाई की तरफ ऐसे करके दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड। फिर 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रखी थी, आप चाहें तो आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में रख सकते हैं, अगर फ्रिज में नहीं रखना चाहते हो। देखिए, ऐसा टक टक कर देना है मोड को, कितना अच्छे से हो गया है हम लोग का बर्फी। देखिए, उसको हम लोग कट कर लेंगे। और आप चाहे तो जो भी ड्राई फ्रूट से उसको गार्निश कर सकते हो। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और ऐसे वाला बना के एक बार ज़रूर खाइए, बहुत ही आसान इजी से बन जाता है। देखिए कितना सुंदर से दिख रहा है, एक तोड़ के मैं दिखा रही हूँ, बहुत सॉफ्ट हुआ है और मेहमान तारीफ ही तारीफ करेंगे। थैंक यू।